मध्य प्रदेश के सरकार ने जन सेवा अभियान, ऐसे मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के 33 योजनाओं को 100% सैचुरेशन की स्थिति में लाना, पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ना बचे जिनको 33 योजनाओं का लाभ ना मिले, हितग्राहियों तक ना पहुंचे, इसके लिए एक जन सेवा अभियान चलाया गया। पूरे प्रदेश भर में इसकी मॉनिटरिंग, इसकी प्लानिंग, इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, उसलिए दो दो मिनिस्टरों की एक टोली बनाई है। तो ऐसे हमारे मित्र, मेरे भाई श्री आदरणीय काबरे साहब और हम लोग रीवा, डिंडोरी, गुना और अलीराजपुर, ऐसे चार ज़िले हम लोगों को दिए हैं। तो आज सुबह से आना हुआ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पहले बातचीत हुई, सांसद जी थे, सभी विधायक जी थे, दो लोग अभी नहीं थे माननीय हमारे गौतम साहब और राजेंद्र शुक्ला जी, और अपना पंचूलाल जी को ऑपरेशन हुआ, बाकी उनके प्रतिनिधि थे। उन सब से बातचीत करके, संवाद करके, कलेक्ट्रेट में सभी के साथ बातचीत हुई है। तो इसको पूरा प्लान करके डोर टू डोर, मैन टू मैन और हार्ट टू हार्ट, दरवाजे दरवाजे, व्यक्ति व्यक्ति और दिल दिल से संवाद करके लिए, करने के लिए इसकी एक ग्राम पंचायत में टोटल मिला के 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं, चाहे पंचायत का सचिव हो, चाहे पंचायत का सहायक सचिव हो, या हमारा पटवारी से लेके महिला बाल विकास के अधिकारी से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके कई प्रकार के कर्मचारी, उनकी एक टोली बना के हर घर में जाके जो पात्र हैं उनको 100% लाभ मिले, जो पात्र नहीं है उनको कन्वेंस करें इसके कारण आपको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे सब विषयों पर रीवा ज़िले के सभी ग्राम पंचायतों में पूरा अभियान चला के, और सरकार और संगठन के या अन्य प्रकार के लोगों को भी जोड़ के इस अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण हो। वैसे 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस से शुरुआत करके और 31 अक्टूबर तक ये पूरा अभियान चलेगा। तो फर्स्ट फेज में समस्याओं का जो हितग्राही है उनका चयन करना, जो विधि सम्मत है उनको क्यों काम, क्यों उनके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिले, उनको क्यों लाभ नहीं मिल रहा, योजनाओं का नहीं मिल रहा तो क्या समाधान हो सकता, तो आइडेंटिफिकेशन करना। सेकंड चरण में कैंप लगा के, फर्स्ट चरण में भी कैंप लगाएंगे डोर टू डोर के साथ साथ, सेकंड चरण में कैंप लगा के सभी को उसका लाभ मिल जाए, इसके लिए हमारे सब जनप्रतिनिधि उस कैंपों में रहेंगे। जनप्रतिनिधि का मतलब हमारे विधायकगण अकेले नहीं, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है, नगर पंचायत अध्यक्ष, तो नगरों में नगर पालिका इस तरह से विचार किया और गाँव में ग्राम पंचायत इस तरह से विचार किया। तो ऐसे करके ये पूरा एक प्लान किया गया है। तो अकेला इस प्रकार से नहीं है, मेरे पास एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी है। तो ये पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं पर डे जो है ना पोर्टल पे डालना है, जैसे उदाहरण के लिए कि 150 समस्याएं आई किसी पंचायत में, तो पूरी 150 समस्याओं को लेके एक पोर्टल हमेशा ओपन रहेगा, एक कर्मचारीगण उसमें पूरा फीड करके और वहाँ पे कहाँ पहुँचेगा उस CM के पास पूरा पहुँचेगा जाके, उसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे भी पूरा एक सिस्टम डेवलप किया, अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग लगातार चलेगी। अकेला यही लोग नहीं उसको फीड कर सकते, हर कोई व्यक्ति भी किसी की समस्या आप घर बैठे भी उस पोर्टल पर लॉगिन करके और अपनी समस्या का समस्या उसमें डालेंगे तो हम लोग उसका समाधान निकाल कर देंगे। मूल उद्देश्य ये है कि हर गरीब आदमी को, जो नीचे जिसकी पहुंच बहुत दूरी तक नहीं जा पाते हैं, उन सबको घर बैठे इन 33 योजनाओं की सुविधाओं का लाभ
100% सैचुरेट करने का प्लान है और इसको क्रियान्वयन करेंगे ही। इसको प्रभार के जिलों के अलावा प्रभारी मिनिस्टर भी रहेंगे, जैसे 4 जिले हम लोग को दिए, ऐसे पूरे प्रदेश भर में जिले बांटे हैं और इसके मॉनिटरिंग सिस्टम में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब खुद करेंगे। ये कैबिनेट में भी डिस्कशन विषय आ गया, बाकी सब जगह भी आ गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से जन सेवा अभियान चल रहा है। 31 दिसंबर तक एंड नहीं है, या 33 समस्याओं के अलावा भी कई समस्याएं हैं जैसे किसी की, तो ऐसा नहीं कि 33 के अलावा हम नहीं सुनेंगे, बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान। पूरे विषय को जिस प्रकार से हमारी सरकार, जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को नीचे तक के पहुंचाने के लिए बहुत विस्तार से भाई साहब ने बता दिए, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारे जो ग्राम पंचायत, हमारी सबसे छोटी इकाई होती है हमारी पंचायत, और हमारा जो गांव है, हमारी जो ग्राम पंचायत है, यदि उस ग्राम पंचायत की हम समस्या का समाधान कर देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश के और अपने देश के सारी योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। बहुत सारी योजना हम बनाते हैं, एक अच्छी योजना हम लेके आए हैं कि हमारे गांव में रहने वाले वो प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो गरीब व्यक्ति है जिसको मिलना चाहिए, जो पात्र व्यक्ति है, लेकिन किसी कारणवश उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो शिविर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के माध्यम से, वो शिविर के माध्यम से, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि एक ग्राम पंचायत में कम से कम 6 से 7 हमारे कर्मचारी और अधिकारीगण वहाँ बैठ के उस समस्या का समाधान करेंगे। आपने कहा कि डोर टू डोर, मतलब घर घर, हम घर घर जाएंगे, परिवार से चर्चा करेंगे, हमारा GRS वहाँ चर्चा करेगा, हमारा रोजगार सहायक, हमारा सचिव चर्चा करेगा, और हर विभाग का, चाहे वो पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का मामला, अगर आजीविका का कोई विषय आता है, यदि राजस्व का मामला, कोई पटवारी का मामला आता है, नामांतरण नहीं हुआ, जमीन नहीं नापी गई, कोई ऐसा विषय आता है, तो उसका समस्या का समाधान उस ग्राम पंचायत में हम करेंगे। और उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि हर व्यक्ति जिसने आवेदन दिया, जिसका हमने आवेदन लिया या हमने चर्चा किया, वो सारा का सारा हमारा फोल्डर बनेगा। अभी भाई साहब ने कहा कि जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिलेगा, जो पात्र नहीं रखता लेकिन उसने भी आवेदन किया है, तो उसको बताया जाएगा कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, इसलिए आप अपात्र हैं, उसको बताना पड़ेगा। हम बताते नहीं, उसके कारण माहौल थोड़ा सा ख़राब होता है, माहौल ख़राब होता है, और कोशिश ये किया जाता है कि अन्य दल का व्यक्ति है, अन्य विचारधारा का व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं गलत राह पे बताने की कोशिश करता है, सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहता। तो हम सच्चाई को भी सामने लाना चाहते हैं, और धरातल पर क्या हो रहा है उस धरातल को हम देखना भी चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं। तो पूरा का पूरा हमारा, जैसे भाई साहब ने बताया कि 17 तारीख से हमारा 31 अक्टूबर तक है, 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक के हमारे सारे आवेदन जितने आए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आवेदन आए हैं उसका निराकरण नहीं होगा, वो पोर्टल भी चढ़ा, जैसे कि आपने भाई साहब ने बताया कि पोर्टल पर चढ़ेगा, और जब तक कि उसका निराकरण नहीं होगा पोर्टल पर सब लोग देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, उस पोर्टल का निराकरण करके हमारे ग्राम पंचायत में ऐसा हम एक पोर्टल वो तैयार करके रखेंगे। एक इशू है या सोसाइटी में जो इशू है उनको बढ़ाने के लिए किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट फोर्स करेगी कि वो प्रॉब्लम्स डाउन द लाइन क्या है कि कई बार वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, किसान अगर खाद के परेशान है, बार बार अप्रोच कर रहा है एक टाइम फ्रेम के पास, इसलिए हमने कहा कि जो भी किसान होगा उनको सबको नगद पैसे में खाद दे देंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, उधारी में पैसा देते थे उनको, 0% लोन पे हम पैसा देते थे ब्याज पे। अब वो ऑलरेडी डिफाल्टर हो गए, तो डिफाल्टर हो गए तो उनको देने की स्थिति नहीं बनी, इसे किसान परेशान नहीं हो, सभी किसानों को खाद की उपलब्धता हमारी कॉपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा नगद पैसे में हम लोग उपलब्ध करा दें। मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, राहुल गांधी आ रहे हैं मध्य प्रदेश भी, प्लीज़ मध्य प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की आ रही है। तो भारत जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जैसे शुरुआत किया तो गोवा में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो गई, अभी राजस्थान में संकट मचा हुआ है, इसे नौटंकियाँ हैं देश बेसिक जो है ना। या भारत जोड़ो की बात करें, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है,
आपने ही तो तोड़ा है, आपने कब तोड़ा है? तो 14 अगस्त 1947 को आपने अलग तोड़ दिया। आप इंडिकेशन दे रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर टूट हो सकती है क्या कांग्रेस में? आपने बोला कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कई हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं ही तो बेंगलोर था, हमारे साथ तो 22 विधायक 22 दिन हम ही लोग तो साथ में थे। नहीं, शुभारंभ तो आप लोगों ने करवाया था। अभी भी कई लोग संपर्क में है, अभी बहुत अच्छा कुछ, अभी बहुत लोग संपर्क में है, आना चाहते हैं, कई लोग विचारों का प्रवर्तन करना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार करा कर, अच्छी बात है।